नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज हम बनाने वाले हैं अमरूद की चटनी। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने एक अमरूद लिया है, थोड़ा सा धनिया लिया है हमने, और इसको कोथमीर भी बोलते हैं, दो लहसुन की कलियाँ ली हैं, आधा इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और एक हरी मिर्च ली है। अरे इसमें जो तीखापन है वो थोड़ा सा हम कम पसंद करते हैं, तो हम कम डाल रहे हैं। आपको यदि ज़्यादा पसंद तो आप इसमें ज़्यादा हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं, बट इसमें कम तीखा ही अच्छा लगता है। और एक और चीज़ मेन कि ये वाली जो चटनी है उसमें अमरूद जो है थोड़ा सा कच्चा होना चाहिए। ये रेड वाला अमरूद है, आप चाहे तो व्हाइट वाले अमरूद का भी बना सकते हैं। थोड़ा सा कच्चा लिया है, कच्चे अमरूद की थोड़ी सी अच्छी लगती है, टेस्ट अच्छा आता है। आप चाहे तो पका अमरूद यदि आपके पास है तो पके का भी ट्राई कर सकते हैं, बट हमको कच्चा पसंद है तो हम कच्चे अमरूद की बना रहे हैं। यहाँ पे हमने रेड वाला अमरूद ले रखा है। तो ये हो गए हमारे सारे इन्ग्रीडियंट्स, 1 2 3 4 5 इन्ग्रीडियंट्स हैं। अब हम इसको मिक्सर में बारीक बारीक कट कर कर ब्लेंड कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हमने अमरूद को कट कर लिया है, थोड़ा सा धनिया, हरी मिर्च, लहसुन और ये अदरक, और जो मेन इंग्रेडिएंट है जो उसको स्वाद देगा वो है नमक, अकॉर्डिंग टू द टेस्ट। ये हमने नमक डाल दिया है। ओके, अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। अच्छे से ग्राइंड नहीं होता है, ये कच्चा अमरूद है, तो हम थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे। आप पानी ऐड नहीं करना चाहें तो नहीं कीजिए, ऐसे बहुत टेस्टी लगने वाली है ये चटनी। तो ये झटपट तैयार हो गई हमारी कच्चे अमरूद की मजेदार लहसुन वाली चटनी। मुझे तो बहुत पसंद है, और आप ट्राई करेंगे तो आपको भी बहुत पसंद आएगी। इसको हम ऐसे निकाल लेंगे बाउल में। मिर्च बहुत तेज है तो मुझे मिर्च स्मेल करने में ही आ रही है। ये है आपकी अमरूद की चटनी। नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज हम बनाने वाले हैं मराठी चटनी, इसको ठेसा चटनी भी बोलते हैं। ये महाराष्ट्र की फेमस चटनी होती है, और इसको वहाँ पर बड़ा पाव, आलू बड़ा या पकौड़ों के साथ सर्व किया जाता है। तो इसको बनाने के लिए ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स हैं वो हैं, मैंने पूरा एक लहसुन लिया है, इसमें 22 कलियाँ हैं, मैंने थोड़े से रोस्टेड मूंगफली दाने लिए हैं, उनको मैंने रोस्ट कर कर इनके छिलके निकाल कर तैयार कर लिया है। अकॉर्डिंग टू टेस्ट हमने यहाँ पर सॉल्ट लिया है, और यहाँ पर हरी मिर्च ली है, इसको भी मैंने हल्का रोस्ट किया हुआ है। तो इनको चटनी बनाने के लिए हम इसको मिक्सर ग्राइंड कर लेंगे इन सारे मटेरियल्स को, घी को छोड़कर, क्योंकि घी में हमें इसको चटनी को जो है फ्राई करना है। तो हम मिक्सर में ये सारी चीज़ें लेते हैं, जार में ये सारी चीज़ें हमने ले ली। लहसुन को हमको रोस्ट नहीं करना है, लहसुन हमको यूं ही लेना है कच्चा। और अब हम इनको दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। साइड में मैंने घी को गर्म होने रख दिया है, इसको हम हल्का ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, इसको हमने हल्का हल्का सा ग्राइंड कर लिया है, एकदम बहुत ज़्यादा नहीं इसको मैश करना है, इतना ही हमको इसको पीसना है। तो आगे अब हम इसको फ्राई करते हैं घी में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा घी जो है गर्म हो चुका है, अब इसमें हम प्रिपेयर्ड ग्राइंड चटनी डाल देंगे। ये मैंने इसको प्रिपेयर करने के लिए आयरन तवा लिया है, आप चाहें तो कढ़ाई ले सकते हैं। इसको अब हम इस तरीके से चलाते रहेंगे तब तक जब तक कि ये भुरभुरी ना हो जाए।
तरीके से इसका इसको हमको चलाते रहना है। इसमें सारी चीज़ें जो हैं डल चुकी हैं, नमक भी हो चुका है, नमक भी हम डाल चुके हैं, तो इसको तब तक चलाते रहना है शुद्ध देसी घी में जब तक कि ये थोड़ी सी इसका जो पानी है वो थोड़ा सा वेपराइज हो जाए। तो फ्रेंड्स, तैयार है हमारी मज़ेदार ठेसा चटनी। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।